एंट्री वेंट्री सब दिखा देंगे और वो गया पर्पस हमारा कितना प्यारा लग रहा है पूरा सीन देखो गाइस। ये पुल के नीचे एक पंच नदी जा रही है, पंच नदी कहते हैं सर, और ऊपर मंदिर है महादेव। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूं सब लोग ठीक होंगे और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ठंड हो गई है बहुत, सुबह सुबह का टाइम है और रात को मैंने लास्ट मंदिर दिखाया था और उसके व्लॉग में एंड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। चलता है, ये पार्ट थ्री है, ये पार्ट थ्री में हम दिखाने जा रहे हैं फाइनली भोले बाबा को और चलते हैं। पहले चाय पाय पियेंगे थोड़ा सा और फिर फ्रेश व्रेश होंगे, फिर दर्शन करने चलते हैं क्योंकि लाइन लग रही होगी, लेट हो गए हम लोग इन आलसियों की वजह से। सुबह से उठा रहा हूँ, उठते नहीं एक तो वो पीछे मौसम देखो कैसा हो रहा है। तो कहा ये थे हमारे टेंट, एक ये था और एक अंदर था, तो स्पेस सही था इसमें, तीन जने सोए हम उसमें, शिवम भैया यस, और पूरे टेंट है इसमें। और ये बड़े वाले टेंट हैं, ये शेयरिंग में भी हैं, ये 200 रुपये हैं और हमारे 1500 रुपये दो टेंट पड़े हैं। और ये बड़े वाले ना शेयरिंग में हैं, तो चाय पीते हैं बाहर जाके और शिवम भैया हुआ है फ्रेश, ठंड हो रही है बहुत, चलते हैं। तो गाइस रेडी रेडी हो चुके हैं हम लोग और सब भाई रेडी हो गए हैं और मौसम हो गया सेक्सी, बादल छिटने लग गए हैं, पर्वत दिख रहा है, भाई को पर्वत दिखाओ। आवाज बैठ गई है मेरी तो, पता नहीं ठंड के मारे। और पीछे पर्वत देखो कितना सेक्सी हो रहा है भाई, आ जा आ जा आ जा, ग्लेशियर भाई पूरा ग्लेशियर। अब चल रहे हैं दर्शन करने, दर्शन करके फिर आपको दिखाएंगे, पूरे दर्शन करवाएंगे, जहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जहाँ से नहीं होगी वहाँ से नहीं करेंगे। सो ये दोनों अपने टेंट थे, इन टेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लास्ट मतलब डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चलते हैं, जगह एकदम सेक्सी हो रही है और जगह पड़ती है पहले 1 किलोमीटर पहले उससे मंदिर से, तो चलते हैं अब मंदिर दर्शन करते हैं, आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए भोले बाबा के, और हमारे टेंट से 1.5 किलोमीटर के रास्ते पे है, 1 किलोमीटर पड़ता है, तो सड़ा बड़ा ही नहीं है, सीधा रास्ता है, कोई सिंपल चलते रहो क्योंकि आगे जाके टेंट मिलते महंगे और रात में भी बहुत महंगे मिलते हैं, कोई फायदा नहीं होता कितने आगे जाओ, इस वक्त थोड़ा सा पहले ले लो सस्ते मिल जाएंगे और इतने टहलते टहलते निकल जाओगे फिर तुम लोग, आप लोग मतलब सुबह। तो चलते हैं, हमें दर्शन कर रहे हैं, एंट्री वेंट्री सब दिखा देंगे और वो गया पर्पस हमारा कितना प्यारा लग रहा है, अब पूरा सीन देखो, तृप्ति मिल जाती है आके। तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया इस टाइम पे, रात में ठंड थी, अब जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी गर्मी होती जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंडा ठंडा मौसम रहता है, ना ठंड होती दोपहर में, बस रात में ज़्यादा ठंड होती है। चढ़ना लगता है इस पर, चढ़ना इस पर तो गाइस हम भोलेनाथ के चरणों में आ चुके हैं और पहले शुरुआत होती है एटीएम की, यहाँ पे एक एटीएम है, किसी भाई को जैसे कैश वैश की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कैश ही चलता है, कुछ दुकानों पे पेटीएम भी चल जाता है, तो कैश यहाँ से निकाल सकता है, HDFC का है ये, एक ही एटीएम है यहाँ पे मंदिर के पास, मंदिर अभी यहाँ से आगे जाके और महामंदिर है, पूरा दिखा देंगे, व्यू दिखा सकते हैं आप लोग, और एंट्री गेट वाला है पीछे वाला, तो सारे मुस्लिम हमारे आ गए हैं और बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, जैसी धूप धूप आती आ रही है बादल छटते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकेंगे आपको और एक दो टाइम लैप्स और दिखाएंगे जिससे बादल बादल साफ़ हो जाएंगे, जब पीछे वाला पहाड़ बहुत सेक्सी लग रहा है और देख सकते हो यहाँ पे आसपास। सो ये एक ही एटीएम है, ध्यान रखें और किसी को जैसे कैश निकालना है तो कैश निकाल सकता है। गाइस ये पुल के नीचे एक पंच नदी जा रही है, पंच नदी कहते हैं सर, और ऊपर मंदिर है, तो ये कहते हैं कि यहाँ 5 छीटा मार लो तो शुद्धिकरण हो जाता है, तो यहाँ 5 छीटा मार के चल रहे हैं अपना और दर्शन करने चल रहे हैं, शाम हो जा रहा है, गिर मत जाइयो, महंगे जूते वैसे हैं तेरे, नीचे काय को रखे हैं ना मेरे को, तो करते हैं शुद्धिकरण और चलते हैं फिर अंदर की तरफ।
भाई दूसरा गेट हो गया, और वहां से हो जाती लाइन शुरू आपकी, और यहाँ से पूरा होगी कम से कम 500-600 मीटर की, 600 मीटर की होगी लाइन अंदर तक है, तो पूरी लाइन ऐसे लगती है। अभी तो हम सीजन ऑफ में आए थोड़ा सा, और जुलाई में आओगे तो और बहुत कम लाइन मिलेगी, नहीं तो पूरी पीछे पीछे तक होती थी सीजन में, जून में कम हो जाती है, जुलाई में और कम हो जाती है। तो बाबा के दर्शन करेंगे, देखते हैं आगे प्रसाद प्रसाद लेंगे। और भाई एक रिक्वेस्ट है, कैश ज़्यादा ज़्यादा रखें, कोई यहाँ पर पेटीएम ज़्यादा ना रखें, क्योंकि यहाँ पेटीएम यूज़ नहीं करते ज़्यादा। तो प्रसाद प्रसाद लेते हैं अभी, शिमबे गए प्रसाद लेने और चलते हैं अभी लाइन में आगे। तो भाई प्रसाद आ गया हमारा, और 200 रुपये का प्रसाद है, इसमें एक चुन्नी है, कंघा है, और पता नहीं क्या क्या है, निकाल के दिखाना भैया, निकालो चुन्नी, चुन्नी है, नीचे सिंगार का सामान है, सिंगार का सामान है, प्रसाद है, ये प्रसाद है, और 100 रुपये का वो है छोटा वाला खाली, उसमें ये नीचे वाली वो आती है मिश्री प्रसाद सा, और जो भाई ने ले लिया है। बादल फिर से आ गए हैं और व्यू रुक गया सारा दोबारा, अभी लाइन है यहाँ से वहाँ तक की, अभी यहीं आ पाए हम, पूरी वहाँ तक लाइन है, लगते 14 थक गए बेचारे, फाइनली दर्शन होने वाले हैं थोड़ी देर में, इतनी सी लाइन में बची है, और भीड़ देख सकते हो आप लोग, तो पूरा बादल भी खुल चुके हैं थोड़े बहुत, मंदिर देख रहा है, पहले बहुत ज़्यादा धुंध और बादल हो रहे थे नीचे, क्योंकि धूप वूप निकल आई है। दर्शन वर्शन करते हैं, जूते वूते उतारेंगे, और थोड़ी सी लाइन हो रहा है अंदर तक, तो जय भोले बाबा, महादेव 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 जय जय हो गया हमारे महाराज के, प्रसाद चढ़ गया हमारा और प्रसाद उसमें रखा है, तो अंदर का जितना मैं दिखा सकता था उतना दिखा दिया, क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, और दर्शन अच्छे से हो गए हमारे, भीड़ भाड़ भी नहीं है, बस बाहर भीड़ ज़्यादा है, तो जितना लेट होता जाता है तो भीड़ बढ़ती जाती है, क्योंकि पब्लिक आती जाती है, तो थोड़ा सा रील वील बनवाएंगे, और अगेन आवाज़ बैठ चुकी है, और रील वील चेक करनी है, फोटो वोटो चेक करनी है, प्रसाद मंडल को जाकर फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, और घंटा उठाएंगे, देखते कहाँ है जो दिखाते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे, कुछ खाएंगे, खाया नहीं, क्योंकि आवाज़ और बैठ गई हमारी, और ये करवाएंगे, ये यहाँ पर करवाएंगे अपना, और फोटोशूट वगैरह फिर चलते हैं। भाई ये पूरा केदार मंदिर अपना, और आगे पीछे सब दिखा देता हूँ, और जो अकाल आया था 2013 में पत्थर की वजह से पानी कट गया था, वो पत्थर दिखाता हूँ आपको, ये वाला वो पत्थर है, अभी चलते हैं पूरा कैप्चर करेंगे, और पीछे से ऐसे दिखता है। सो बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हमारे, सो चलते हैं हमें पत्थर दिखाने, देख हम भी देख के आते हैं, गए नहीं है, ये है पूरा पत्थर वो, सो पूरा पत्थर है वो, यहाँ से ऊपर से जैसे जो बाढ़ आई थी वो, और यहाँ से पानी कट गया था इस पत्थर की वजह से, तो मंदिर बच गया था, तो ये पूरा इतना बड़ा पत्थर है, और बस भोले बाबा की कृपा थी कि उन्हें बचाना समझा, तो इसलिए बचा लिया, और पूरा ऐसे बैठ बैठ सकते हैं, फोटो वोटो खिंचा सकते हैं, और ऊपर चलते हैं देख के आते हैं उधर क्या है, कुछ अच्छा वो तो दिखाएंगे। सर हमारे अच्छे हो गए हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं मिली हमें, और जूते वूते पहन के हम रेडी हो गए हैं, एक भमची बैठे हैं कहाँ बैठा, तो रेडी हो चुके हैं हम, खाना वाना खाएंगे कुछ यहाँ से, और फिर निकलेंगे कहाँ के लिए पता नहीं, देखते हैं बताएंगे जहाँ निकलेंगे, तो फोटोज और रील चाहिए हो तो कितना रिलेटेड यहाँ से इंस्टाग्राम में मिल जाएगी, जाके फॉलो करो, और पहले सब भूखे हैं, कुछ खाएंगे, क्योंकि सुबह के दर्शन गए थे, 2-2.5 घंटे लाइन में लगे हैं, जो तक नंबर आया है, आवाज़ और बैठ गई, चाय पीनी पड़ेगी, चलो 7:30 से 11:30 4-5 घंटे हो गए, मतलब अभी वहाँ जाके वार्तालाप करते हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं कुछ खाने, और ये है आलू मेथी का पराठा, 60 रुपये का मिल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आगे चल पे उल्टा आपकी दुकान है, तो इस भाई फिर हमारे चाय है, चाय 25 रुपये की, और आगे है 20 रुपये की, तो ऐसे होता है, तो दूसरा पराठा आ गया, और अमूल मक्खन दिखाओ, अमूल मक्खन दिखा दे, अमूल मक्खन दिखाओ, और यहाँ पे 25 रुपये का अमूल मक्खन है, देखो कैसा है, इतना सा बस, और ये पराठा है, ऐसे करते हैं एंजॉय, और अच्छा रहे, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो गाइस बाबा करते हैं बाय बाय, जल्दी बुलाएं ये हम प्रार्थना करेंगे, जल्दी से जल्दी आएँ दोबारा दर्शन करने, जब भी आएँ बाबा जब बुलाएंगे, जब भी हम आ पाएंगे, बाबा नहीं बुलाएंगे तो हम नहीं आ पाएंगे,
सो हमारा भी अब क्या अचानक सीन बन गया था, सरप्राइज ट्रिप सीधा हम केदारनाथ, तो बाहर ऐसा कुछ है और हमने पार कर लिया मंदिर, अब जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ। अब चढ़ाई उतरेंगे, बता देंगे आपको अगर चढ़ाई जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा उतरने में कितना टाइम लगा। बैटरी फ़ोनों में कम है, अगर व्लॉग में नहीं बना पाता तो देखता हूँ, वैसे कोशिश करूँगा मैं थोड़े थोड़े पार्ट डाल दूँ। और 4 किलोमीटर मतलब हम यहाँ से कितनी देर में उतर पाएंगे ये देखते हैं हम, क्योंकि आने में तो 6.5 घंटे लगे थे, देखते हैं उतरने में कितनी देर लगती है। यहाँ पे बर्फ में कोल्ड ठंडी करने की चल रही है, इनका घर जाने का मन नहीं है तीनों का, एक गड्ढा नहीं हो रहा तीन जनों पर इतनी मेहनत के बावजूद। क्या करोगे तुम जिंदगी में गड्ढा नहीं कर पा रहे, एक छेद नहीं हो रहा बस, क्या ठंडी करोगे तुम, और ये ऊपर तक जम गया सर। अरे बात कर रहा है फोन पे, लक्ष्य खेल रहा ऊपर, लक्ष्य पहुंच गया ऊपर खेलने, लक्ष्य लक्ष्य नीचे आ जा बेटा, ऊपर मत खेला, लक्ष्य ऊपर क्यों जा रहा बेटा, अप्पू नीचे आ जाएगी, अप्पू नीचे आ जाएगी, आ जा नीचे। हमने आधे घंटे पहले स्टार्ट करा था और अब शॉर्टकट जा रहे हैं, उतर रहे हैं, उतरने में आसानी हो रही है, टाइम कंफर्म मैं बता दूंगा लास्ट कितना बैठ रहा है। और यहाँ आ चुके हैं हम, यहाँ से नीचे जाना है हेलीकॉप्टर, तो चलते हैं नीचे और धीरे धीरे जा रहे हैं इनसे, धीरे के जंगल तेज जंगल, इसलिए कहता हूँ गधों समझ जाओ। तो गाइस ये हो रही है हमारी नीचे जाने की तैयारी, और नीचे पहुँच गए हम, 4 किलोमीटर तो आ गए, और अब उतना ही तरह चल रही है, तो इसे कहते हैं असली ट्रैकिंग, तो ये शॉर्ट तो ये शॉर्टकट है। और भैया कौन सी गाड़ी चल रही है, तो अपने लौंडे आ गए सारे, और अबे लौंडे और भैया वो जान देना, अरे पागल चढ़ाई पे आए, ये चल रहा है अपन का असली ट्रैक, एक बार ऊपर दिखा दिया, एक बार यहाँ, मतलब शॉर्टकट लेना हो तो ऐसे रास्ते ले लो, नहीं तो थोड़े थोड़े लंबे लंबे पड़ते हैं, तो इससे शॉर्टकट से जल्दी उतर जाते हैं, उतरने में हमें टाइम नहीं लगेगा, चढ़ने में बहुत लगा था, चढ़ने में हम शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि पैर ज़्यादा फिसलते हैं, और उतरने में भी और ज़्यादा फिसल रहे हैं, क्यों मैं फिर नहीं करूँगा, सब इस रास्ते से आए, सो देख सकते हैं नीचे खाई है सीधी। हाउ जोश भाई, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं हुआ, दिस इज वार्म अप, वार्म अप ब्रो, वार्म अप, ये तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा, लेट इट गो गाइस। ये देखो जिंदगी में ये लौंडा से तो फिर ही है, एक बस ये माइक लेके चल रहा है, आंटी देखो तुम्हारे लौंडे को बिल्कुल बटन नहीं रखा हमने, भजन इसमें ही नहीं है भजन। हम आ चुके हैं यहाँ पे 10 किलोमीटर नीचे, और अब रेस्ट करा हमने, रुके हैं पे हम, और लक्ष्य सानू और यस एक साथ हैं पीछे, वो रो रुक के आ रहे हैं, बीमार है बेचारे पैरों में दर्द हो रहा है बुढ़ापे में, मैं शिम में भगते भगते आ गए नीचे, 2 किलोमीटर रहता पर ऐसा लगता है कि नीचे उतरने में आसानी है, पर नहीं दोनों एंगल इतने ही पड़ता है, मेरे 4 घंटे हो गए हैं, ये है कि 5 घंटे में पहुँच जाएंगे, वैसे 7 घंटे में हम ऊपर पहुँच चुके हैं, और नीचे आके सब मिलेंगे, फिर चाय वाय पियेंगे, फिर एक एक और कंटिन्यू करते हैं फिर जर्नी अपनी, उससे पहले आप नज़ारा देखिए, तो इससे एक्सी देखो पहाड़ों की कुछ अलग ही बात है, घर में नहीं आ सकते क्या पहाड़, मीठी मीठी सी ठंड हवा, यू आवाज, तो चलते हैं हम नीचे की तरफ, मिलते हैं आपसे, जाने से तो सारे लोग आ गए हैं, बांडे हो गए हैं, हमारी चढ़ाई मतलब तराई हो चुकी है पूरी, और टैक्सी करेंगे यहाँ से, अब सीधा अपने फोन पैक के लिए वहाँ से गाड़ी लेंगे, और यहाँ हो रहा अंधेरा, और टैक्सी के देखते हैं कहाँ मिलेगी, अंधेरा हो रहा बहुत काला, काल तो वैसे काला है दिख ही नहीं रहा, तो मिलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस आ गई गाड़ी अपनी, और 2 दिन बाद खुली है, ये कपड़े वपड़े रख रहे हैं, चप्पल पहननी भाइयों ने, और निकलते हैं फिर यहाँ से, कहाँ निकल रहे हैं बता देंगे आपको पूरा, अभी तो खुद डिसाइड नहीं है, जहाँ ऋषिकेश की तरफ रहे हैं, ऋषिकेश रुकेंगे या नहीं रुकेंगे देखते हैं, अभी पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, रेस्ट करेंगे हल्का सा, क्योंकि उतर के आए हैं सही, हमें लग गए हैं 5 घंटे लग गए हमें उतरने में, और चढ़ाई के बाद और हमारे पैरों की तो वाट लग चुकी है, तो यहाँ पे हम रुके हैं अभी होटल गिरधार, और ये पड़ेगा तुम्हारा रुद्रप्रयाग के पास जो साइड में हाईवे है,
अभी क्या मतलब उन्स देखते हैं क्या खाएंगे हमें। आप कॉफ़ी आ चुकी है मेरी और टाइम मिल रहा है खाता हूँ टाइम 11:31 हो रहे हैं और हम आए हुए रुद्रप्रयाग और अब हम शायद यहीं स्टे करेंगे या तो ऋषिकेश जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। भाई ने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है और ये कुछ खा नहीं रहे हैं बताते हैं इनका। सानू खाना नहीं मिला है या ऐसा घर जाके कहने वाला है है सानू भूखा मार रहा था। सही कह रहा है बेटा, तो यहाँ पे अब डिनर कर रहे हैं हम और देखते हैं क्या कैसा कैसा आता है। लक्ष्य भाई देखते हैं क्या सीन बनता है, जैसे भी बताते हैं रुकते हैं या नहीं या आगे जाएंगे। 11:30 बज रहे हैं क्योंकि फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया था यहीं पे, जो मैंने होटल दिखाया था नाम भी भूल गया मैं, तो इसी के नीचे ही हमने रेस्ट कराया क्योंकि रात हो गई बहुत और पहाड़ों में गाड़ी रात में नहीं चलाते हैं और नींद वींद भी आ रही थी क्योंकि चढ़ाए उतर के आए थे वहाँ से 15-17 किलोमीटर जो भी था। तो रूम दिखाता हूँ मैं, कितने रुपये में लिया है, 1200 रुपये में रूम लिया है। डबल बेड है और सिंगल दो बेड है, मतलब 4 लोग आराम से सो सकते हैं और 5 भी आराम से सो सकते हैं, 6 भी सो सकते हैं इस बेड में, 3 जने आराम से और 2 इस पे आराम से सो सकते हैं। और हाँ इसमें एसी नहीं है पर लाइटिंग बाथरूम अटैच है दोनों, सही है मामला। बाहर पहाड़ का व्यू है, कल सुबह दिखा दूंगा मैं रूम दिखा दूँगा। तो पूरा आपका रूम है, टीवी भी मिली है इसमें, सेट बॉक्स भी है इसमें और एक बेड ही है। इस भाई नंगे पड़े हमारे, वो नंगे पड़े गर्मी लग रही है। ये डबल बेड है तो इसमें 3 जने आराम से जाएंगे, एक इस पे तो ऐसा करके है। और लाइटिंग बाथरूम इसमें तो ये पूरा बाथरूम है, गीजर वगैरह की सब मतलब सब चीज़ मिलती है। और उसे क्या ही दिखाऊँ, वॉशरूम है वो और सामने वार्डरोब भी मिली है, अपना सामान वामान रख लो। बाहर का एरिया हम कल दिखाएंगे, सो टीवी दिखा दिया भाई हमने, तो बाहर का एरिया हम कल दिखाएंगे। और फोन में चार्ज होगा अपना, मेरा फ़ोन हो गया स्टोरेज फुल, तो भैया की फोन तो बनानी पड़ रही है मेरे को। और मिलते हैं आप, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे और सुबह दिखाते हैं आपको यहाँ बाहर का व्यू।